हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिबता किंग। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर बॉर्डर लाइट का इफेक्ट दे सकते हो, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दो, और साइड में रखा गया बेल आइकन को भी जरूर टैप कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप मिस ना करें। और इस चैनल पर मैं आपके लिए फ्री में एंड्रॉइड का टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारा ट्रैवल ब्लॉग्स भी यहाँ पर आने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो बॉर्डर लाइट ऐप क्या है, तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि है बॉर्डर लाइट। और यहाँ पर मैं इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, तो ये वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको सारे कुछ जो है समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो हम जो कि हम कर दिए है, और इसके बाद इसे ओपन करना है। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक एक्टिवेट बोल के बोल रहा है, तो हमें इसे एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं इसे एक्टिवेट कर दिया। जब हम इसे एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट वॉलपेपर बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, तो हमें यहाँ पर सेट वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। और ये दो ऑप्शन जो है, पहला है होम स्क्रीन, दूसरा है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो मतलब होम स्क्रीन का मतलब ये है कि अगर आप इसे चूज करोगे तो ये जो बॉर्डर लाइट का इफेक्ट है आपको सिर्फ होम स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। अगर आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन को यूज करोगे तो यहाँ पर आपको दोनों में ही ये बॉर्डर लाइट का इफेक्ट जो है दिखाई देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर होम स्क्रीन ही बेटर रहेगा। तो ये आपका चॉइस है पर्सनल, तो जो आपको चाहिए आप इसे चूज करना, लेकिन मैं जो है यहाँ पर होम स्क्रीन पर क्लिक करूंगा। देखिए दोस्तों, होम स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और मैं अभी आपको एक एक करके सब समझा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है यह है साइकिलिंग स्पीड। तो साइकिलिंग स्पीड क्या है, साइकिलिंग स्पीड ये है कि देखिए आप ये जो बॉर्डर लाइट है यहाँ पर कभी ग्रीन आता है, कभी रेड आता है, कभी ब्लू आता है, लेकिन ये जो कलर है थोड़ा स्लो स्लो आता है। अगर आप चाहते हैं कि और भी थोड़ा स्लो करना है तो हमें इसे घटा देना है। तो जब हम घटा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, और पूरा नीचे कर देंगे तो भाई पूरे के पूरे स्लो ही हो जाएगा। लेकिन हम अगर इसे बढ़ा देंगे तो ये आप देखिए ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन है बॉर्डर साइज। और बॉर्डर साइज क्या है, अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इसे जितना बढ़ाएंगे इसका बॉर्डर का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। आपके अकॉर्डिंग आपको जितना चाहिए आप रख सकते हो, फिलहाल मैं इतना रखूँगा। और इसके बाद जो है बॉर्डर साइज ऑन लॉक स्क्रीन। दोस्तों, मैं ये आपको पहले से ही बोल दिया था कि मैं यहाँ पर सिर्फ होम स्क्रीन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं लॉक स्क्रीन को जो है चूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर आप देखिए ये कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये शायद काम करेगा। और यहाँ पर दोस्तों बॉर्डर रेडियस बटन, तो मतलब जो ये फ़ोन का बटन है, मतलब निचला वाला हिस्सा है, उसे जो है आप कमा सकते हो। मतलब ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, आप नीचे से देखिए फ़ोन को कुछ इस प्रकार का दिखेगा, लेकिन मुझे जो है ये फिट टू स्क्रीन करना है, तो मैं इसलिए इसे इतना ही रहने देता हूँ। और अगर बात करेंगे बॉर्डर रेडियस ऑन टॉप, तो अभी ये जो है टॉप सेक्शन में फ़ोन का रेडियस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा और थोड़ा सर्कुलर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, लेकिन मैं उसे भी कम करूँगा। और दोस्तों जो इसके बाद है ऑप्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है नॉच। तो नॉच जो है देखिए एनेबल हुआ है, जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये जो है रेडमी का नोट 5 प्रो है, तो ये नोट 6 प्रो होता तो शायद ये हमें अच्छा लगता, क्योंकि वहाँ पर नॉच दिया है तो ये इंटरफेस उसे सूट करता। लेकिन मेरा नॉच नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो जब ऑफ करेंगे तो आपका जो ये जो बॉर्डर लाइट है पूरे के पूरे फिट टू स्क्रीन हो गया, यानी आपका स्क्रीन जैसा है वो अपने आप को एडजस्ट कर दिया। तो दोस्तों बस और भी कुछ करना नहीं है। और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इमेज दिया गया है, लेकिन इतना कुछ काम नहीं का मतलब कोई काम का चीज़ नहीं है ये सब। बस आपको इतना ही करने के बाद इसे भूल जाना है, बस आपका जो है तैयार हो गया बॉर्डर लाइट। आप अपने कोई भी फ्रेंड को दिखाओगे तो वो भी चौंक जाएगा कि भाई ऐसा कैसे कर रहा है तू। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार का काम कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा डाउट है कि यहाँ पर हम अपना वॉलपेपर लगा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर आप देखिए ब्लैक दिख रहा है, लेकिन फिलहाल तो वॉलपेपर के लिए मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला। मैं जब जब भी ट्राई किया ये एप्लीकेशन जो है काम नहीं कर रहा था अगर वॉलपेपर के मामले में। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, या इसका जो दूसरा डीमेरिट ये है कि अगर आप मान लो कि क्लियर कैच कर देते हो, या फिर आप यहाँ पर रैम को क्लियर करते हो,
यानी कोई एप्लीकेशन को जो ये देखिए बैकग्राउंड पर रन हो रहा है, तो अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप इसे हटा दोगे तो ये बॉर्डर लाइट ऐप और काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अब टेस्टिंग मोड पर है तो ये जो है बैकग्राउंड पर जितना देर तक रहेगा आपका जो है आप देख काम सकते हैं करता दोस्तों, रहेगा। ये देखिए बॉर्डर लाइट हैज स्टॉप्ड, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। तो बॉर्डर लाइट जो है और काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैं इसे हटा दिया हूँ। तो दोस्तों बस ये दो ही इसका डिमेरिट है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इसके वजह से क्या हमें बैटरी प्रॉब्लम का इशू हो सकता है क्या? तो भाई बैटरी का इशू हो सकता है, क्योंकि आप सिर्फ ये एप्लीकेशन के वजह से नहीं, आप चाहे कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको अननेसेसरी बैकग्राउंड में रन करेगा तो उसके लिए आपको बैटरी तो थोड़ा बहुत तो ड्रेन होगा ही। लेकिन मुझे ये एप्लीकेशन में इतना कुछ से मतलब ऐसा नहीं लगा कि ड्रेन हो रहा है, बस ठीक ठाक सा ही लगा। तो उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये एप्लीकेशन भी अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दिया हूँ, बस जाना है डाउनलोड करना है, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा और आप इंस्टॉल करके इसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमें आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि अभी अभी ये चैनल शुरू हुआ है, तो आप जितना प्यार देंगे जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे सब मिलकर। तो पूरे वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।